हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी तुला राशि या तुला लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि ग्रहों के राजा सूर्य अभी तक नीच अवस्था में थे, तुला राशि में गोचर कर रहे थे। अब 16 नवंबर से अपना ये राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, मंगल की साधारण राशि वृश्चिक राशि में गोचर करना प्रारंभ करेंगे एक महीने के लिए। तो ये बहुत खुशखबरी की बात है कि सूर्य अब अपना जो है तो प्रभाव में जो परिवर्तन है वो आपको दिखेगा, क्योंकि अब सूर्य अपने मित्र की राशि में गोचर करेंगे अपनी नीच की राशि को छोड़ के। और देखा जाए तो यहाँ पर और भी कई सारी ग्रह स्थितियां हैं, उनका भी प्रभाव देखने को मिलने वाला है। जैसे कि वृश्चिक राशि में बुध पहले से ही गोचर कर रहे हैं और सूर्य भी अब गोचर करेंगे, तो जिससे बुधादित्य योग का निर्माण हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि है, शनि की भी दृष्टि है और राहु की भी दृष्टि है, तो तीन ग्रहों की दृष्टि है जो कि अपने आप में अलग अलग प्रभाव देने वाली होगी। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि बहुत अच्छी मानी जाती है, जो कि अब जैसे यहाँ पर बुधादित्य योग का निर्माण होगा तो बुधादित्य योग को बल देने वाली होगी, परंतु बुध के शत्रु होने की वजह से इनकी दृष्टि उतना बेहतर परिणाम नहीं दे पाएगी, परंतु सूर्य के मित्र हैं इसलिए कहीं ना कहीं उसका प्रभाव दिखेगा। वहीं पर शनि और राहु जैसे ग्रहों की जब दृष्टि किसी योग में पड़ती है तो उस योग के प्रभाव में कमी आ जाती है, या उसे हम कह देते हैं कि वो योग जो है वो भंग हो चुका है, उसका प्रभाव नहीं मिलेगा। कभी भी कोई भी योग बनता है, चाहे वो राजयोग हो चाहे दुर्योग हो, उसका प्रभाव जरूर हमें देखने को मिलता है। हाँ, अब स्थितियां परिस्थितियां जो होती हैं उसके अनुसार कितना देखने को मिलेगा ये डिपेंड करता है। इसी तरह जो ये बुधादित्य योग बनने जा रहा है इसमें कई सारी स्थितियां देखने को मिलने वाली हैं। अब आइए समझते हैं, क्योंकि देखा जाए तो सूर्य तुला वालों के लिए जो है तो आय भाव के अधिपति होते हैं और आपके धन भाव में ही गोचर कर रहे हैं। तो आय भाव के अधिपति होकर धन भाव में गोचर करना और आपके अष्टम से भी संबंध बनाना, ये अपने आप में जो है तो महत्वपूर्ण बदलाव है। तो सूर्य का ये परिवर्तन आपके जीवन में धन वृद्धि कराने वाला होगा, आपके आय में वृद्धि कराने वाला होगा, और कई सारी ऐसी कामनाएं हैं, आपकी इच्छाएं हैं जो कि समय पूरी हो सकती हैं। हो सकता है कि आप विद्यार्थी हो तो आपका एग्जाम चल रहा हो, आप नौकरी प्राप्त करना चाहते हो, या आप व्यापार करते हैं तो अपने व्यापार में वृद्धि चाहते हो, या जो भी आपकी इच्छाएं हों, और खासकर यदि आय से संबंधित इच्छाएं हैं तो ज्यादा संभावनाएं, या सूर्य से संबंधित कारक तत्व जो हैं उनसे संबंधित यदि इच्छाएं हैं तो पूरी होने की संभावनाएं और भी ज्यादा हो सकती हैं। और इस समय देखा जाए तो आपके अस्थायी धन में भी वृद्धि होगी। एक चीज ध्यान में रखिए कि जो आय है वो अलग जो है तो विषय हो जाता है और अस्थाई धन वो अलग विषय हो जाता है, क्योंकि पैसा जो आ रहा है, जैसे आप जॉब करते हैं या व्यापार करते हैं, वो कमाई आ रही है हर महीने, जो समझिए सैलरी आ रही वो आय हो गई, परंतु अस्थाई धन में जैसे आपकी जमीन हो गई, सोना चांदी आप रखते हैं, ऐसे बहुत सारी जो है तो धन होते हैं तो उनको अस्थाई धन कहते हैं। तो जो अस्थाई है, अचल है संपत्ति, जिसे आप कहते हैं, इस नाम से भी जानते हो, अचल संपत्ति, तो ऐसी जो है तो संपत्ति द्वितीय भाव जो है तो प्रदर्शित करता है। तो द्वितीय भाव में सूर्य समय गोचर कर रहे हैं तो इससे एक और भी चीज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी कि पैतृक संपत्ति, और खासकर पैतृक संपत्ति में यदि जमीन आदि से संबंधित हो या पैतृक संपत्ति जो भी हो, उस विषय को लेके, क्योंकि आज के समय में हर घर में, ज्यादातर घरों में देखा जाए तो कलह का माहौल है, भाई भाई एक दूसरे से लड़ाई झगड़े, या पारिवारिक लोग हैं, या मतलब घर परिवार में लोगों को किसी ना किसी से कोई ना कोई वाद विवाद हो ही जाता है। और जब पारिवारिक वाद विवाद होता है उसमें पैतृक संपत्ति भी जुड़ी होती है, तो फिर उसको लेके भी वाद विवाद ज्यादातर हो जाता है। तो यदि ऐसा कोई वाद विवाद है, समस्याएं हैं, तो उनमें कहीं कहीं राहत देखने को आपको मिलने वाली है, आपको लाभ मिल सकता है। इस समय आपके वाणी में थोड़ा सा आपको कंट्रोल रखना होगा, क्योंकि इस समय आपके अंदर जो है तो सत्य बोलने
की जो है इच्छा होगी, आप कहीं भी कोई भी बात हो रही है कुछ भी, तो आप यदि जानते हैं उसके विषय में तो आप सत्य बोल सकते हैं। तो जानते हैं कि ये कलयुग है, कलयुग में सत्य बोलना जो है तो लोगों को जो है तो आप सत्य बोलेंगे तो उनको पसंद नहीं आएगा, क्योंकि लोगों को बस मीठा मीठा चाहिए। अब जैसे अब हमारी जो वीडियो होती है उसमें भाई अच्छा होना तो अच्छा, बुरा होना तो बुरा, परंतु वो चीज़ कई लोगों को जब मैं कमेंट में कभी पढ़ता हूँ तो कई लोगों को बुरा लगता है कि आप बुरा ही बोलते रहे, तो कभी अच्छा बोला करो कि अच्छा होने वाला है। अरे भाई, जब अच्छा होने वाला होता तो अच्छा बोलते हैं, जब बुरा होने वाला होता तो बुरा बोलते हैं। यही तो आज के समय में लोगों को, अब कुछ जगह क्या होता है, अब जैसे कुंडलियां आती हैं कई बार, उन कुंडलियों में लोगों को यदि सच बचा समझ लीजिए कि सच यदि आप बता रहे हैं तो पचेगा नहीं, है ना, पचता ही नहीं लोगों को, ऐसे कैसे वैसे कैसे। फिर जब घटना घटती है तो फिर लोग कहते हैं कि अरे हमने तो ध्यान नहीं दिया। तो आज लोग झूठा कोई बोलता हो, मीठा मीठा बोलता हो, उसे पसंद करते हैं। जो सही बोलेगा तो भाई वो तो कड़वाई होता है, सत्य लोगों को आज सुनना नहीं है। इसलिए थोड़ा सा अपने वाणी में संयम रखिएगा। सत्य बोलना तो अच्छी बात है, बोलना ही चाहिए, सत्य ही बोलना चाहिए, परंतु थोड़ा कोशिश करिए कि जहाँ ऐसा हो कि सत्य बोलने से जो है तो कोई समस्या ना हो, बात ब्याद ना हो, तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा। इस समय आपको थोड़ा सा ये भी देखने को मिलेगा कि वर्तमान की स्थिति जो है तो कहीं ना कहीं आपको अपने जीवन में एक सत्यता की ओर ले जाएगी। सत्यता, एक तो सत्य बोलना और दूसरा ये जीवन का सत्य, यानी कि ये जो जीवन हमें मिला है, ये मनुष्य तन जो मिला है, ये हमें अपने आप को जानने के लिए, समझने के लिए और भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। इसमें आपका मन इस मोह माया से भी दूर होता हुआ दिखाई देगा और इस संसारिक जो स्थिति है, संसारी जो दिखावा है, भगवान की माया है, इससे भी मोह कहीं ना कहीं आपका भंग होगा और आप भगवत प्राप्ति की ओर भी, तंत्र मंत्र आदि के ओर भी आपका मन आकर्षित हो सकता है। इस समय कई गूढ़ रहस्यों का पर्दाफाश हो सकता है। और एक बात यहाँ पर जरूर ध्यान देना है आपको कि इस समय थोड़ा सा यात्रा करते समय सावधानी बरतिएगा। यात्रा करते समय कोई खास समस्या तो बहुत ज्यादा नहीं है, पर हाँ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कई बार जब यात्रा में हम ध्यान नहीं देते तो थोड़ी तकलीफें हो जाती है ऐसी स्थितियों में। तो देखा जाए तो ये सूर्य का परिवर्तन है लाभदायक, परंतु कुछ थोड़ी बहुत सावधानियां जो है मैंने बताई उनका ध्यान रखिए और आगे बढ़ते रहिए। अब रही बात कि उपाय क्या करना चाहिए, तो उपाय के रूप में सबसे पहले जरूरी है कि अपनी दिनचर्या को अच्छी बनाइए। प्रातःकाल जितना जल्दी हो सके तो उठिए और भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए, भगवान सूर्य की आराधना करिए। साथ में भगवान सूर्य से संबंधित जो मंत्र आपसे बनते हों या अस्त्रोत बनते हों, या मंत्र अस्त्रोत नहीं बनते हैं तो फिर उसमें आप क्या कर सकते हैं कि नाम जप कर सकते हैं, जय सूर्यदेव जय सूर्यदेव जो भी, तो भगवान का नाम जप करिए, उससे कल्याण होगा। और अपने पिता का, अपने से बड़ों का, गुरुजनों का आशीर्वाद लीजिएगा। और यदि संभव हो तो यदि आप भारत में रहते हैं तो देखिए, अब यहाँ पर स्थिति क्या बनती है कि भारत में रहते हुए भी मैं ये बात थोड़ी ज्योतिष से हटके है पर बड़ी काम की है। मैं अभी एक दिन आ रहा था कहीं से, तो वहाँ पर देखा एक माता जी थी, तो वो दुर्वा वहाँ से जो है तो नीचे वहाँ दुर्वा थी, तो वहाँ से तोड़ रही थी दुर्वा। और जो कि वहाँ पर मैं जब कई बार वहाँ से आता हूँ तो कुछ लोग वहाँ पर मछली जो है तो बेचते हैं वहाँ रख के, तो मछली का पानी भी पूरा और वो सब रहता है उसमें, और कई बार लोग बाथरूम आदि भी जाते हैं उधर। तो सोचिए कि हम जो है तो कई बार ऐसी गलतियां अनजाने में भी कर देते हैं जो कि मालूम नहीं पड़ती हैं। तो दुर्वा, और वास्तविकता में एक चीज और भी है कि भगवान गणपति की जब हम आराधना करते हैं तो दुर्वा चढ़ाना चाहिए। आप भी यदि दुर्वा चढ़ाएं तो बहुत अच्छा है, भारत में तो मिल जाता आसानी से, परंतु इन चीजों को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, शुद्धि आदि का।
कि कहाँ है दुर्गा, कैसी स्थिति में है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे आप दुर्गा लेते हैं, तो दुर्गा और चारा, जो चारा होता है, दुर्गा और चारा में डिफरेंस होता है। उसे लोग, कुछ लोग चारा ही बोलते हैं दुर्गा को, परंतु चारा और दुर्गा में डिफरेंस होता है। दुर्गा कैसी होती है और चारा, उसमें डिफरेंस यदि आप हमेशा यूज करते हैं, आप जानते हैं, तो आपको डिफरेंस मालूम पड़ जाएगा। तो इसलिए भगवान गणपति की यदि आप आराधना करें, उनको खासकर दुर्गा चढ़ाएं, तो और भी बेहतर आपके लिए रहने वाला है। तो उपाय कुछ भी इनमें से जो भी कर सके कर सकते हैं, और साथ में कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं तो पहले जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।